आज दोस्तों रिलीज की बारी है भारत फिल्म की, और भारत फिल्म नहीं है, ये है एक फेस्टिवल। आइए मैं राहुल भोज आपको बताऊंगा कि आज के दिन के पहले शो का क्या है रिव्यू, दर्शक क्या कहना चाहते हैं, सारी ये बातें एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई। कैसी लगी आपको भारत, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया लगी, सलमान सर का एक्शन, सुनील ग्रोवर की कॉमेडी सबसे बढ़िया सुनील ग्रोवर की एक्टिंग थी, मतलब पूरे फिल्म में वो एंटरटेनिंग लग रहे थे। और कटरीना कैफ बहुत अच्छी दिख रही थी, दिशा पतानी बहुत अच्छी लग रही थी, और जॉकी श्रॉफ ने एक्टिंग भी बहुत बढ़िया की, जो उन्हें रोल मिला उन्होंने सबसे बढ़िया किया। ओके। फिल्म में एक बंदे की जर्नी दिखाई गई है भारत की, जवानी से बुढ़ापे तक की। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाई ने कितना जस्टिस किया उसके साथ, जस्टिस मतलब कैरेक्टर के साथ ना, कितना गए हैं भाई और कितना फ्लो में गए हैं, इमोशंस को कितना अच्छी तरह निकाला है। देखिए, सलमान खान ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की और कोशिश दिख रही है, मतलब ऐसे नहीं कि लेकिन वो थोड़ा 19-20 उनमें हो गया, मतलब वो तो मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं है। अच्छा कि मतलब करके एक्टिंग कर पाए, लेकिन सलमान सर ने बढ़िया किया अपनी तरफ से, बहुत बढ़िया किया। ओके। और अगर मैं बात कर अगर मैं बात करूँ गानों की, गाने कोई ऐसे जो मेमोरेबल हैं जो आपको याद रहते हैं जब आप थिएटर से बाहर निकल कर आए? मुझे तो कोई गाने मतलब याद नहीं, लेकिन एक ही गाना मुझे याद आता है, स्लो मोशन में। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे आप? 4 स्टार, और सुनील ग्रोवर के लिए 100 स्टार। 100 स्टार, वाओ, अमेजिंग, क्या बात, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। सर कैसी लगी आपको फिल्म? मुझे बहुत ही अच्छी फिल्म लगी भारत, और जब हम स्टार्टिंग से और फिल्म को एंड तक देखते हैं तो पूरा मतलब स्टार्टिंग से एंड तक आपको पिक्चर से जुड़ जाओगे, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये कहीं बोर कर रही है। और सलमान जी को जितने भी गेटअप दिए हैं उनको उन्होंने बखूबी निभाया है, और बहुत ही अच्छा फील मतलब उन्होंने इस फिल्म में दिया है। ओके। सर अगर मैं बात करूं, इसमें कैटरीना कैफ है, इसमें सुनील ग्रोवर है, उन सब का काम कैसा है? कैटरीना ने, सुनील ग्रोवर ने बहुत ही अच्छा वर्क किया है, कैटरीना ने मतलब काफ़ी इम्प्रेस किया अपने रोल से। क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस वगैरह और हर फीलिंग्स मतलब एक मतलब हंसाती भी है कई बार और एक अच्छा फील देती है। ओके। क्या दिशा पाटनी ने अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया? हाँ, उनका जो भी छोटा सा कैरेक्टर था उसमें वो अच्छी लगी हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना कैरेक्टर निभाया है। सॉन्ग कौन सा आपको मेमोरेबल? सॉन्ग ज़्यादा हम मेमोरेबल नहीं बोल सकते, क्योंकि सॉन्ग के मामले में मैं यह कहूँगा कि सॉन्ग म्यूजिक के लगा लो या लिरिक्स के लगा लो कच्चे हैं, बस ठीक है कि एक लाइन है जो स्लो मोशन में वो पब्लिक को चढ़ जाएगा, क्योंकि सलमान जी उसमें खड़े हुए हैं जी। और बाकी अगर यही गाना किसी नए स्टार के ऊपर होता तो शायद कोई देखने भी पसंद नहीं करता, लेकिन इस गाने में सलमान सर खड़े हैं तो फिर सभी को पसंद आएगा। चाशनी अगर किसी नए बंदे पे फिल्माया जाता तो शायद आपको भी पसंद नहीं आता, बट उसमें सलमान सर हैं और सलमान सर को सैल्यूट है। वाह। क्या आपको लगता है ये परफेक्ट गिफ्ट है भाई की तरफ से ईद का? हाँ, ये है कि ईद की तरफ से जो सलमान सर ने फिल्म निकाली है भारत, ये सभी के लिए ईद पे बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, और सभी को एक बार ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो आपको रुलाएगी भी, आपको हंसाएगी भी, और आपके मन में एक प्यारा सा फील भी पैदा करेगी। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? 4.5। एक्सपर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, तो ऐसे में भारत फिल्म के एक्सपर्ट अंकल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे फिल्म देखने से पहले मिला था, एक्साइटमेंट थी, अब मिला हूँ, फिल्म देख ली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सुबह 8 बजे एक्साइटमेंट थी वो अभी 11 बजे ख़त्म हो गई। ओके। पिक्चर अच्छी है, एवरेज से ऊपर है, लेकिन बहुत सुपर हिट की इसको हम लोग उसके लाइन में नहीं रख सकते हैं। ओके। पिक्चर अच्छी है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, सलमान खान की बचपन से ले कर 70 साल की जर्नी इसमें दिखाई गई है जी, करेक्ट, और वो जर्नी अच्छी दिखाई है। गुड़री लोगों को मन में था कि ये देशभक्ति, राष्ट्रगीत और राष्ट्रभक्त के ऊपर आधारित पिक्चर होगी, लेकिन वैसा इसमें कुछ है नहीं। ओके। भारत जो नाम रखा गया है वो सिर्फ सलमान का नाम रखा गया जी। भारत देश के ऊपर इसमें कुछ बताया नहीं गया जी। जहाँ तक बात है कैटरीना और सलमान की केमिस्ट्री की, तो बहुत अच्छी है। ओके। म्यूजिक का अगर आप पूछना चाहें तो म्यूजिक में कोई दम नहीं है। Okay. 3-4 गाने हैं, लेकिन कोई भी गाना, एक भी लाइन किसी को याद नहीं होगा। Okay. 3 घंटे में ही लोग भूल जाते हैं जी। तो आगे तो नहीं चलेगा म्यूजिक जी। स्टोरी अच्छी है और पर्सनल स्टोरी है, और लास्ट में हार्ट टचिंग ये बताया है कि वाघा बॉर्डर के ऊपर
ई टीवी एंकर लोगों ने शो एक अरेंज करते हैं और उसमें पुराने बिछड़े हुए लोग मिलते हैं, उसमें बहुत हार्ट टच हो जाता है और वो बहुत ही उम्दा कार्यक्रम बताया और ये बहुत ही अच्छा लगा भी। ओके, परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई, कैटरीना, सुनील ग्रोवर, दिशा पाटनी, कैसा काम किया है सब बताइए। परफॉर्मेंस में देखिए, सलमान खान को हम लोग अभी तक चॉकलेटी हीरो में ही देखे हैं जी। इसमें इसने सादा बाल दाढ़ी बूढ़ा का रोल किया है लेकिन वो भी सूट करता है जी। 70 साल का इसने रोल किया है, वो भी सूट करता है। कैटरीना का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। दूसरा किसका नाम बोले, सुनील ग्रोवर, जो सुनील ग्रोवर उसका बेस्ट फ्रेंड है और उसकी भी एक्टिंग अच्छी है। सबसे बड़ी बात इस पिक्चर में हमें जो लगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोमालिया का हम लोग पढ़ते हैं बचपन से कि सीप जाती और लूट ली जाती है, इसमें हमने लाइव देखा जो संभव नहीं है देखना। दूसरा कि हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि हमारे भारत के मजदूर फॉरेन में जाके गैस कंपनी में और ऑयल कंपनी में रात दिन खून पसीना बहा के रुपया कमाते हैं, वो भी इसमें लाइव दिखाया। ओके, तो ये सब चीज थोड़ा हार्ट टचिंग है। ओके ओके, अगर मैं बात करूं आउट ऑफ 5 कितने आप स्टार देना चाहिए? आउट ऑफ 5 में मेरे हिसाब से इसमें 3.5 कमर्शियली देने चाहिए। ओके अंकल, आपको क्या लगता है भाई की तरफ से परफेक्ट गिफ्ट है, एक ईद मतलब ईदी भाई की परफेक्ट है ये? भाई के तरफ से तो 100% परफेक्ट है जी। सवाल है कि दर्शकों को कितना ये ईदी पसंद आती है, उस पर डिपेंड करता है। ओके। भाई को एक बार मेरी तरफ से फिर ईद मुबारक और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। भारत का मौका है, क्या कहना चाहोगे? मज़ा आई ईद के दिन, मतलब मूवीज अच्छी थी बट बहुत ड्यूरेशन की थी, मतलब लंबी थी, कम हो सकती थी ना, तो और मूवी अच्छी लगती देखने के लिए। ओके ओके, इसमें हमने देखा किस तरीके से भाई ने जो है एक जवान व्यक्ति से एक बूढ़े व्यक्ति का किरदार निभाया है, वो कैसा किया है, उन्होंने परफॉर्मेंस कैसी दी है, लुक कैसे जा रहे हैं उनके? नहीं, परफॉर्मेंस वाइज सलमान खान इज़ बेस्ट ऑब्वियसली, उसके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे, जो उनका ओल्ड एज का परफॉर्मेंस था वो भी अच्छा था, और जो नेवी वाला वो उनका लुक उन पर सूट भी होता था, उन्हें रियली वर्क किया है मूवी पे, बट थोड़ा सा स्टोरी पे और वर्क होना चाहिए था। ओके, एंड बाकी के कलाकार जैसे कि कैटरीना कैफ और दिशा पाटनी और सुनील ग्रोवर की एक्टिंग सीरियसली अच्छी थी, और उसको सलमान भाई ने बहुत अच्छा रोल लिया, उसको टाइम भी बहुत दिया, ऐसा नहीं कि साइड हीरो, मतलब प्रॉपर टाइम उसका रोल बहुत बड़ा था मूवी में, मतलब उसको अभी तक कौन से भी मूवीज में इतना टाइम नहीं मिला था बट उसमें उसको मिला, उसकी तो शादी भी दिखा दी उसमें सो मच। कैटरीना कैफ और सलमान खान की जोड़ी ऑब्वियसली बॉक्स ऑफिस पे हिट है, नो कमेंट्स। बस दिशा पटानी का रोल ज़रा ज़्यादा होता, कुछ लव का ऐसा दिखा दे तो और देखने में मज़ा आता, ऐसा मेरे को लगा। ओके, और अगर मैं बात करूँ कि कोई गानों की जो आप थिएटर से बाहर निकल कर आते हैं गाने याद रहते हैं, तो कोई गाना याद है? स्लो मोशन, स्लो मोशन में उनका डांस हिट हुकअप है, मस्त। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 4 स्टार। भाई की तरफ से ईद का परफेक्ट गिफ्ट है? या परफेक्ट गिफ्ट है देख सकते हैं, बट ईदी तो ऑब्वियसली भाई और हर ईद में देता है, सो मजा आई है। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। सर, सबसे पहले बताइए कैसी लगी आपको फिल्म भारत, क्या कहना चाहेंगे? मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसमें स्टोरी बहुत अच्छी है कि एक इंसान की 18 ईयर्स से लेकर 17 ईयर्स की जो जर्नी है वो अच्छी है, और म्यूज़िक बहुत अच्छा है, सभी सॉन्ग्स बहुत सिचुएशनल हैं, तो मुझे अच्छी लगी। ओके सर, अगर मैं बात करूँ सलमान भाई के परफॉर्मेंस की, जवानी से लेकर 70 साल के वृद्ध व्यक्ति का कैरेक्टर किस तरीके से परफॉर्म किया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, इसमें पार्टीशन दिखाया है, फिर उसके बाद का जो उनका स्ट्रगल ऑयल वेल्स में काम करते हैं और फिर मर्चेंट नेवी, तो हर फेज उनका दिखाया गया है। हाँ, कुछ पार्ट्स को एडिट किया जा सकता है, इट कुड हैव बीन मच बेटर, बट हाउएवर मुझे ईद पे के मौके पर जो ईदी है मुझे पसंद आया क्योंकि म्यूज़िक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कहीं भी आप बोर नहीं होते, बहुत एंटरटेनिंग है। ओके, और सर अगर मैं बात करूँ कैटरीना के काम की, सुनील ग्रोवर के काम की, इन सबका? सुनील ग्रोवर का बहुत अच्छा काम है, एंड ही गॉट अस सच अ फ्लैशी रोल, और उसके साथ दिशा पटानी का एक सॉन्ग है स्लो मोशन, वो भी बहुत अच्छा है। कैटरीना आई थिंक शी इज़ इम्प्रूविंग विद ईच एंड एवरी मूवी। हाउएवर सलमान खान आई थिंक हिज रोल इज़ रिमार्केबल, क्योंकि इतने सारे डिफरेंट फेजेस को डिपिक्ट करना आसान नहीं है, तो मुझे अच्छी लगी। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 4 स्टार्स। ओके सर, अगर मैं बात करूँ तो ये परफेक्ट गिफ्ट लगा आपको भाई की तरफ से ईद का?
हाँ अच्छा है, आई थिंक पीपल आर कंपेयरिंग यू टू बजरंगी भाईजान, लेकिन आई थिंक जो पेट्रियाटिक फीलिंग है वो आज भी यू नो कोई भी मूवी में अगर वो दिखा दे तो लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो वो फीलिंग को अली अब्बास जफर जो इसके डायरेक्टर उन्होंने पकड़ के रखा, तो उस वजह से ये मूवी काफ़ी टचिंग लगी मुझे। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको भारत थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। ये मूवी तो ऐसा लगा कि जैसे बिना स्टोरी प्लान किए हुए पूरी मूवी बना दी गई है, कि स्टेप बाय स्टेप सोचा अब ये एपिसोड की तरह कुछ ये डाल दिया जाए ये डाल दिया जाए जी। टोटल बोरिंग मूवी है जी। जो थोड़ा सा कॉमेडी सीन्स सामने आए हैं बस उन पे ही मूवी में लगा कि हाँ थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया, वरना लोग बाग सो जाएंगे। ओके सर, अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, सलमान भाई का कैसा है, क्योंकि हमने उनको जवानी से बुढ़ापे तक देखा है कैरेक्टर में, तो आपको क्या कहना है? सलमान खान का परफॉर्मेंस तो ठीक है मगर बहुत अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि पता नहीं क्यों इस फिल्म में उनकी एक्टिंग भी उभर के आई नहीं, क्योंकि स्टोरी नहीं है तो उनके ऊपर कुछ ऐसा आया नहीं। ओके जी। एंड कैटरीना? कैटरीना का भी सेम रहा है, जबकि दोनों एक इतने बड़े स्टार हैं उसके बावजूद भी अब स्टोरी और लाइन लेंथ ना होने की वजह से, इससे अच्छे रोल्स तो मेरे ख्याल से सुनील ग्रोवर और वो कॉमेडियन आसिफ इनको दिए गए, वो लोग इस पिक्चर में उभर के आए। ओके सर, गाने कोई प्रॉमिसिंग कोई जो याद रहते? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मेमोरेबल, कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ चार कॉमेडी सीन ही मेमोरेबल है उसमें। भारत क्या कहना चाहेंगे आप? भाई बहुत ही बेकार लगी हमको सर। क्यों, ऐसा क्या है फिल्म के अंदर? नो स्टोरी लाइन, नथिंग। ओके सर, एक जर्नी दिखाइए कैरेक्टर की देश के साथ, वो कैसी है, इंप्रेसिव लगी आपको सलमान भाई के लुक्स और परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस अच्छा है, और कहीं कहीं सलमान से ज़्यादा हम कहेंगे सुनील ग्रोवर ने इस फिल्म को संभाला है, अदरवाइज फिल्म टोटल फ्लॉप हो जाती। ओके बट सुनील ग्रोवर और कुछ साइड एक्टर्स हैं जिन्होंने इस फिल्म को संभाला है जी। बाकी बहुत बेकार मूवी है। ओके ओके सर, गानों की बात करें, बहुत सारे गाने इंट्रोल से पहले दो आते हैं बाद में आते हैं, कोई मेमोरेबल गाना जो आपको? गाना एक ही अच्छा है, जिंदा हूँ मैं गाना था, वो एक अच्छा गाना है, बाकी गाना भी हमको कोई अच्छा नहीं लगा, कोई खास है नहीं गाने में भी। ओके, आउट ऑफ 5 कितने स्टार देना चाहेंगे सर? एक। एक स्टार सर। आपको लगता है कि ईद में भाई की तरफ से ये तोहफा जो है ये सही है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेकार है। So, देखा दोस्तों, ये वही जनता है जो कि सुबह सुबह उठ के भारत फिल्म देखने के लिए आई, और जनता ने अपना जो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस है वो आपके सामने दिल खोल के पेश कर दिया है। अब बारी आती है आप लोगों की कि आपको क्या है कहना, क्या है समझना, फिल्म को कितने स्टार्स देंगे, सारी बातें बोल दीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। मैं राहुल भोज इसी तरीके के इंटरेस्टिंग रिव्यूज आपको बताता रहूंगा फिल्म भारत के, बने रहिएगा चैनल के साथ। विद कैमरा पर्सन अंकित चौरसिया, ईद मुबारक।